फाइल बेच दें, बेच दें, बेच दें सर, छुरी फेर दे, फेर दे, फेर दे, छुरी फेर दे, बात सुने, बात सुने, फेर दे 400 एकड़ करें, 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 चले करें, अब बात सुने, 400 एकड़ करें, 1000 एकड़ बेचेंगे, शेख साहब की, शेख साहब को कहें कि आपका काम हो गया, और दूसरी बात, तमाम हो गया, जी जी जी, किसानों के पैसे देते रहेंगे, क्या हो गया, उनका कोई इशू, हमने, अब देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, वो लोग कहाँ पे रहते हैं, गंदी नाली, पानी, कीचड़, ये सारी चीजें, हम सड़कें बनाते हैं, हम पार्क बनाते हैं, हम उनके मरने के लिए कब्रिस्तान बनाते हैं, मरने के लिए कब्रिस्तान, तो वो मरने के लिए बनेगा ना, मतलब जाहिर है जिंदा को तो नहीं गाड़ना, पानी पीने मेरे ख्याल में आपको पानी पानी हो गए, अच्छा मैं सर ये बताइए कि पानी पानी मैं इंपोर्टेड पीता हूँ, असल में ना ये पानी थोड़ा सा, सारी बात है लोगों का खून पसीना पीने के बाद अभी पीता, कुछ लोगों को ना भी मिले तो कोई क्यामत नहीं आ जाती, अच्छा कुछ लोगों को ना मिले तो नहीं, यानी कि 300 प्लॉट आप ना दे वो क्यामत की बात नहीं है यार, ये 300 घर जो तबाह हो जाए वो क्यामत, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3000 भी हो जाते हैं वो क्यामत नहीं आती, और ये देखें ये सारी की, इसका नाम मैंने मीडिया लाइन, मीडिया लाइन रखा है, ये आप लोगों के लिए, और फरहान साहब ये आपका ये कॉर्नर प्लॉट है, ये कॉर्नर प्लॉट है, ये देखिए मैंने इसको निशान लगाया हुआ है, ये कॉर्नर प्लॉट है, और दूसरी बात ये है, सवाल जो कर रहे हैं ना वो आप, अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए जी हमारा जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है ना, ये देखें यहाँ से हमारी एंट्रेंस है, और इस एंट्रेंस बड़ा सा गेट बना रहे हैं, ये खूबसूरत सा गेट बन रहा है, ये 3 मशीनें खड़ी हो जाएंगी, अच्छा अच्छा, और सोसाइटी लॉन्च हो, अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आज का जो पॉडकास्ट है इट्स अ डिफरेंट पॉडकास्ट, बिकॉज हम नॉर्मली इंटरव्यूज़ करते हैं, हमारे साथ बहुत से लोग आते हैं, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये प्रॉपर्टी टाइकून है, इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनकी इनके कहने के मुताबिक पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री है उस लैंड इंडस्ट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत सी सोसाइटीज़ इन्होंने लॉन्च की, लॉन्च करने के बाद फ्लॉप भी हुई, कुछ कामयाब हुई, लेकिन मेजॉरिटी जो सोसाइटीज़ हैं वो इनकी फ्लॉप क्यों हुई या क्यों हो रही हैं हम ये जानने की कोशिश करेंगे, और ये प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है ये बेसिकली है क्या, बेसिकली क्या फिनोमेना है, क्या साइंस है, किस तरह ये काम करते हैं, किस तरह ये लोगों की जेबों में से पैसे निकलवाते हैं, हम आज जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जनाब आज प्रॉपर्टी टाइकून द वन एंड ओनली जनाब अयाज मलिक साहब हैं, मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर, आपने जो तारुफ करवाया ये आपने कोई ठीक नहीं करवाया सर, नहीं मैंने तो बताया प्रॉपर्टी टाइप कौन है, आपने कहा कि मतलब बहुत सी चीजें नाकाम होगी, ये आपको किसने कह दिया, हम उसके पर वन बाय वन बात करेंगे, नहीं वन बाय वन ही आपने इब्तिदा में ठीक नहीं किया काम, अच्छा चलिए जी, इनकी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कामयाब हैं, नहीं मतलब आप अच्छा गुस्सा कर गए मुझे, नहीं मैं गुस्सा नहीं कर गया, आपने मतलब ये तारुफ करवाया या कि मतलब, अच्छा चले छोड़े छोड़े तारुफ को छोड़ दे, नहीं छोड़ कैसे दे सर, एक मिनट छोड़ देना, तारुफ को छोड़ दे, आपका तारुफ कराने लग जाऊंगा तो बड़ी लंबी बात चली जाएगी, दूर तक बात जाएगी, आपके साथ मेरे मामला तय थे वैसे, नहीं हमारे मामला ये तय थे कि हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं, तो सच ही कह रहे हैं ना, मतलब आपको किसने कह दिया, मैं सच कहूंगा ना, मैं सुबह का एक बयान करूंगा जो मार्केट के हैं, जो लोगों के हैं, शुरू से शुरू, आप शुरू से शुरू करें, आगाज करते हैं, आगाज हम करते हैं जी, आप लोग सोसाइटी को लॉन्च करते हैं सबसे पहले जी जी, उसके बाद आप एक अच्छा सा गेट लगाते हैं, फिर उसके अंदर आप ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, ओपनिंग सेरेमनी के अंदर आप राहत फतेह अली खान को बुलाएंगे, सार अली बग्गा को बुलाएंगे, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, आपके अच्छे जाहिर बात है पैसे देते हैं दोस्त होंगे, फिर बड़े बड़े आप सिंगर्स को बुलाएंगे और खाना बड़ा जबरदस्त खिलाते हैं आप, तो अच्छी बात है ना, मेजबानी करते हैं, क्या होता है जी आप 200 एकड़ यानी 200 एकड़ पे आप लॉन्चिंग करते हैं या 300 एकड़ के आप क्लेम करते हैं, बाद में पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट जो है ना वो 100 एकड़ पे भी मुहित नहीं है और वो फ्लॉप हो जाता है, क्यों आपने 6-7 बातें इकट्ठी कर दी हैं जी, आप एक एक करके जवाब दें, सबसे पहले आपने कहा है कि पहले पहले मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि मैं ये जो इंटरव्यू दे रहा हूं ये पेड है, पेड है या नहीं है ये इसका फैसला तो आप करेंगे, लेकिन आप पेड कैंपेन चलाते हैं ना, आपको मैंने कहा था कि आपको एक प्लॉट जो है ना वो मैं आपको गिफ्ट करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, उनको आप तहफ दे के मुंह बंद कर दे, ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है तोहफे देने चाहिए, मतलब जो आप जो आप बयान करें सच्चाई बयान करें
اور جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب 200-300 پتہ نہیں ہے آپ نے کہاں سے سوال کیے ہیں, اور یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ سوال ہمارے آج کے کا حصہ تھے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم میں نے کوئی 20 جو ہیں وہ پروجیکٹ کیے ہیں, الحمد للہ وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں, اور 20 آپ کے بقول میرے نہیں وہ حقائق ہیں, اور مارکیٹ جی مارکیٹ اس کی چونکہ میں نے مارکیٹ سے پوچھا تو آپ اس سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جی. مارکیٹ سے آپ نے جو پوچھا ہے وہ آپ کو یہی ملا ہوگا کہ لوگوں کو گھر ملے ہیں, لوگوں کو ہم نے ان کو پلاٹس دیے ہیں, لوگ اس قابل نہیں تھے کہ وہ پلاٹ لے سکتے. اچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ یہ لوگ بیسیکلی کرتے ہیں جی کہ جی ایک سوسائٹی لانچ کرتے ہیں, اور کرتے ہم میں بتا آپ رہے ہیں سر, میں مارکیٹ کی بات بتا رہا ہوں, میں حقائق بیان, مارکیٹ غلط بتا رہی ہے. آپ ایک لانچ کرتے ہیں ایک مارکیٹ میں جی, ایک لینڈ لیتے ہیں, سپوز 100 acres انہوں نے لینڈ لی, اور پھر اس کے بعد اس لینڈ پہ ماڈل ہاؤس ایک بنایا جاتا ہے, اس ماڈل ہاؤس کو جناب وہ ڈسپلے کرتے ہیں, اور پھر جب ایک ڈلیور کرنے کی باری آتی ہے تو ان کے پاس ڈلیوری کے لیے. آپ غلط بات کر رہے ہیں, یہ آپ حقائق پہ مبنی بات نہیں کر رہے. ہم نے یہ دیکھے جی, چھوڑے ذرا, یہ ہے آپ کو ہم دیتے ہیں فارم دیتے ہیں ٹھیک ہے جی, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو 500,000 rupees پے کرنا ہے, 200,000 rupees پے کرنا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی سوسائٹی میں کون سی جگہ لینی ہے. اچھا جی, میں فارم کی بھی آپ کہانی آپ نے جو کہ شروع کر دی اس سے ہم آغاز کر لیتے ہیں. کس بات سے؟ فارم سے کرتے ہیں. ہاں سب سے پہلے فارم ہوتا ہے جی, 500 rupees کا وہ ایک پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے, یا 50 rupees کا پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے, اس کی پرائس اسٹارٹ ہوتی ہے جی. ملک صاحب کا یہ ترا امتیاز ہے کہ 50 rupees کا فارم وہ 500,000 تک چلا جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ 50 rupees کا ایک فارم ہوتا ہے, آپ وہ بلیک ہوتا ہوتا ہے 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000. آپ یہ کون سا بزنس ہے؟ میں بتاتا ہوں, فارموں پہ بزنس کر رہے ہو آپ, 10th class تک پڑھتے ہیں, آپ کو ایک سند کا ٹکڑا ملتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ 5 rupees کا, 10 years کی محنت شامل ہے اس کے اوپر. سر ایک پیپر کی پرائز 50, تو 10 years کی محنت 10 lakh تک کیسے جاتی ہے؟ 10 years کی محنت. سر یہ کون سا بزنس اسٹریٹجی ہے جو آپ پیپر کو 5 rupees کے پیپر کو 5,00,000 تک بیچتے ہیں؟ یہ کیمرہ بند کریں ذرا. نہیں کیمرہ سر ایک منٹ بند نہیں ہوگا, مجھے بتائیے کون سی اسٹریٹجی ہے, یہ کون سا بزنس ہے, یہ کون سا بزنس ماڈل جو آپ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, 5 rupees کا پیپر آپ 50,00,000 کا سیل کرتے ہیں کیسے؟ اس وقت کیمرہ آن ہے؟ نہیں سر کیمرے کو چھوڑ دیجیے, آپ کیمرہ بند کریں. اچھا پہلے آپ تو یہ اس کا مجھے جواب دینا, یہ کیا بزنس ہے بھائی؟ بات سنیں, آپ نے لوگوں کو غلط ٹرینڈ سکھائے, میری بات سنیں, لوگوں کو غلط بزنس سکھائے, آپ نے غلط ٹرینڈ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرایا کہ آپ اس کے اوپر بلیک. میں انٹرویو چھوڑ دوں گا, میری بات سنیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے. 5 rupees کا ایک کاغذ کا ٹکڑا, مجھے بتائیے 5,00,000 تک آپ کیسے سیل کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ راحت فتح علی خان کو بلاتے ہیں ہم, اس سوال کا پہلے جواب. اچھا جی اس سوال کا جواب آپ دیں جی, مجھے بتائیں, لانچنگ آپ بڑی اعلیٰ کرتے ہیں, کھانے بڑے اچھے کھلاتے ہیں, 100 acres جگہ ہوتی ہے, آپ 500 acres کی سیلنگ کرتے ہیں, اوور سیلنگ کرتے ہیں, آپ ہر جگہ اوور سیلنگ کرتے ہیں. کس نے کہا ہے آپ کو؟ سر آپ لوگوں نے کہا ہے, آپ خود سے مارکیٹ نے کہا ہے, آپ کی میجورٹی سوسائٹیز ہیں. آپ میری, آپ میں نے ایک سوسائٹی بنائی تھی, اس کا نام تھا مون سوسائٹی. ٹھیک ہے جی, مون پہ بنا دی, مطلب میں نے اس کا ایک نام رکھا. آپ کی زیادہ تر سوسائٹی ہوتی مون پہ. کیسے آپ غلط بات کر رہے ہیں؟ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کی اگر 100 acres زمین پہ جگہ ہے نا, ہاں ہاں, تو 200 acres مون پہ ہوتی ہے. This is what I am telling یہ میں آپ کو بتاتا چلوں سر, یہ آپ میرے مخالفین سے ملے ہوئے ہیں. نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں سر, میری بات سنیں, 100 acres جگہ اور 200 acres سیلنگ. یہ کیمرہ بند کیجیے. نہیں سر ایک منٹ میری بات تو سنیں, کیمرہ بند کیجیے, کیمرہ بند کیجیے گا ذرا. سر ایک منٹ سر, بات یہ ہے لوگوں کی جمع پونجی ہوتی ہے. آپ بلیک میل کر رہے ہیں سر. آپ لوگوں کی جمع پونجی ہوتی ہے, آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. سینے کی کمائی ہوتی ہے. آپ ایک منٹ سن لیں, آپ کو لوگ انسٹالمنٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے, ہاں ہاں, 10 installments دی, اس کے بعد پتا چلا ہے آپ لوگوں نے کچھ بھی ڈلیور. یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں, یہ آپ کا شاہکار. جی جی یہ میرا شاہکار ہے. آپ اسی طرح یہ دیکھیں, مطلب دیکھیں یہ میں, دیکھیں بات سنیں, ہم نے آپ کا شاہکار کیا ہوتا ہے, آپ ایک ماڈل ہاؤس بنا دیتے ہیں, لوگوں کو ڈسپلے کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو 3 things دکھا رہا ہوں, ایک چیز, دو چیز اور 3 things. آپ اگر دیکھیں تو میں کبھی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ایسی بات کرتا ہوں تو میں نے کبھی بھی, سر یہ انگوٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں, یہ جی مرجان ہے, یہ مرجان, یہ مجھے گفٹ ملا تھا. آپ نے مرجان جو ہے لوگوں کو مار کے پہنا ہوا ہے, یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. لوگوں کا خون پسینہ مار کے مرجان آپ کے ہاتھ میں آیا ہے. یہ دیکھیں میں بات سنیں, لوگوں کی جمع پونجی آپ قدرت سے, میں قدرت سے, یہ نیلم پہنا ہے, یہ مرجان پہنا ہے, یہ یاقوت ہے, میں پیار کرتا ہوں لوگوں سے. مجھے تو لگتا ہے اب یاجوج ماجوج ہیں جس طرح آپ لوگوں کو لوٹنے لگے ہوئے ہیں. ایک منٹ سر, کیمرہ بند کریں نا ذرا. نہیں کیمرہ نہیں بند ہوگا سر, حقائق حقائق, سچائی کی بات ہے. دیکھیں میں ناظرین, میں ان سے میری کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے, یہ صرف ملک صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے میجورٹی سوسائٹیز کا یہ مسئلہ ہے.
लैंड इनके पास, आप सर एक मिनट, लैंड इनके पास नहीं होती। अच्छा मेरी बात सुनो, इनकी सोसाइटी वो वाली जगह जिन लोगों का कोई वक्त नहीं होती, पैसा नहीं होता, हम उन लोगों को पैसा देते हैं, वो जगह खरीदते हैं, हमने उन लोगों को माला माल किया है। अब एक बंदा जिसकी जगह 5,000 रुपया मरला है, हम उसको 50,000 रुपया मरला देके, तो क्या हम ये कारोबार नहीं कर रहे? हम लोगों को पैसा नहीं दे रहे? बिल्कुल आप ले रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। आप लोगों को आप उसको क्यों नहीं, आप लोगों से लैंड लेते हैं, लैंड लेते हैं और पैसे अदा करते हैं। बिल्कुल, वो जिस चीज की वैल्यू 5,000 थी, हमने उसको 50,000 पे सर, आप लोगों को लैंड लेके हमने, आप देखिए मेरी बात सुनिए, वो लोग कहाँ पे रहते हैं? गंदी नाली, पानी, कीचड़, ये सारी चीजें। हम सड़कें बनाते हैं, हम पार्क बनाते हैं, हम उनके मरने के लिए कब्रिस्तान बनाते हैं, मरने के लिए कब्रिस्तान। तो वो मरने के लिए बनेगा ना, मतलब जाहिर है जिंदा को तो नहीं गाड़ना ना। सर आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपने कब्रिस्तान वाली नहीं जो आप लोगों की लैंड लेते, हमने आपकी जगह रखी है वहां पे। जरई जमीन जो आप तबाह बर्बाद करते हैं, जहाँ पे ज़राअत करें, जहाँ पे खेती बाड़ी करें, उसको पहले वो खराब करें, फिर लैंड। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है तो लोगों के रहने के लिए। हम सर जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जरूरत बढ़ेगी। लेकिन मेरा जो सवाल और मुद्दा ये है, आपको तो मेरी ये छाप छल्ले भी बड़े बुरे लग रहे हैं। नहीं सर, ये क्योंकि आपने लोगों के खून पे सीख ली, मतलब आपको तो इस चीज पे भी आप बैठे तनकीद कर रहे हैं। आपकी जो ऐनक है ना, ऐनक वो तनकीद वाली है। सर मुझे ये बताएं, आप चाहते नहीं कि लोगों को घर मिले, आप चाहते नहीं कि लोगों को खुशहाली मिले, आप चाहते ही नहीं कि लोग बेहतर जगह पे रहे, बेहतर जगह पे रहे। लेकिन आप ये भी करें ना, लोगों को डिलीवर करें। डिलीवर करते हैं, कितने को करते हैं डिलीवर करते हैं? अगर आप एक मिनट, अगर आप 500 प्लॉट बेचते हैं, 300 प्लॉट की जगह, एक सेकंड सर, 300 प्लॉट की आपके पास जगह होती है, 200 प्लॉट जो है वो नहीं बिकता। कुछ लोगों को ना भी मिले तो कोई क्यामत नहीं आ जाती। अच्छा, कुछ लोगों को ना मिले, यानी कि 300 प्लॉट आप ना दे वो क्यामत की बात नहीं है यार। ये 300 घर जो तबाह हो जाए वो क्यामत, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3,000 भी हो जाते हैं वो क्यामत नहीं आती यार। जिसकी खून पसीने की कमाई चले जाए वो क्यामत नहीं आती। जिसमें सारी जिंदगी पैसे जोड़ के आपको किस्तें दी, अपनी तनख्वाह के अंदर से 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार आपको किस्त दी, आप क्यामत नहीं उसको कहेंगे। और भाई जिसका सब कुछ चला जाएगा उसको डिलीवर नहीं होगा, आप लोगों को खौफ नहीं आता यार? किस नहीं बात आता लोगों का खौफ, बाकी लोग भाई इस बात का खौफ कि आपने लोगों से पैसा लिया हुआ है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं? मैं ये, आप अकेले नहीं है सर, आप लड़ाई कर रहे हैं मुझसे। आप अकेले इस धंधे में नहीं है, इस धंधे में पूरी दुनिया है, आप जैसे बहुत से और डेवलपर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमारे हमारे धंधे के लिए आप गंदे सवाल कर रहे हैं सर। मैं ये नहीं कह रहा, सिर्फ डिलीवर भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के साथ गलत हो रहा आप। अच्छा मुझे ये बताएं, चले छोड़े इस बात को, मुझे ये बताइए कि आप लोगों से पैसा लेते हैं, कहते हैं जी हम आपको, आप हमें 1 करोड़ रुपया दें, हम आपको 3 लाख रुपए देंगे। इस तरह आप एक और बंदे से 1 करोड़ रुपया पकड़ते हैं, इस तरह आप पैसे पकड़ के इसकी टोपी उसको, उसकी टोपी उसको पकड़ा देते हैं। एट दी एंड क्या होता है, आपके पास, आप उसी पैसे को सर्कल कर रहे होते हैं, उन्हीं पैसों में से लोगों को पैसे दे रहे होते हैं। एट दी एंड क्या होता है, जब आप लोगों के मार्केट डाउन होती है, इन्वेस्टर जो है ना वो डूब जाता है, जो आपके साथ लगा हुआ था, उसके बाद देने के लिए आपको पैसे नहीं होते, तो ये क्यों करते हैं? अगर आप नहीं कर सकते, पहली बात ये है, आप क्यों पैसा पकड़ते हैं? पहली बात ये है कि ये जो आपने कहा कि इसकी टोपी उसके सर पे, तो उसकी टोपी हम जिसकी टोपी होती है उसी के सर पे रखते हैं, वो ना उससे पैसा लेके उसी को वापस करना शुरू करते हैं। ऐसा गलत बात है। देखिए, लोग आते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लोगों के पास कारोबार नहीं है, लोगों के पास पैसा है, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमने एक अपना नाम बनाया है, हमने काम करके दिखाया और हमने लोगों को पैसे दिए हैं। अच्छा, अगर 2-4 बंदे के पैसे डूब जाते हैं तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? 2-4 बंदों के, यानी से हम 2-400 भी कह सकते हैं। और यार मतलब जब आप काम कर रहे होते हैं 1,000-1,500 लोगों को तो डूबते हैं पैसे। लेकिन 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 बात सुने, डूबते क्यों हैं बिजनेस में? देखिए आप सवाल कौन सा कर रहे हैं? सवाल को छोड़े, आप सवाल कौन सा कर रहे हैं? कोई नहीं कर, हमारा सवाल पैसे डूब जाते हैं लोगों के, आपको लोग इन्वेस्टमेंट देते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि हम नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आप मुझे भी उसमें शामिल, मैं आप चाहता हूँ कि मैं आप, अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए जी, हमारा जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है ना, ये देखें यहाँ से हमारी एंट्रेंस है और इस एंट्रेंस के सा गेट बना रहे हैं, ये खूबसूरत सा गेट बन रहा है, ये 3 मशीनें खड़ी हो जाएंगी। अच्छा, अच्छा, और सोसाइटी लॉन्च होगी। अच्छा बात सुनिए, अच्छा, इस जगह पे मैंने आपके लिए ये पॉइंट रखा है, यानी कि मेरी कब्रिस्तान मीडिया के लोगों के लिए। अच्छा, मीडिया की अलग से आप? हाँ जी, मैंने बंद करने के लिए, मैंने मीडिया को जो अकोमोडेट किया हुआ, अकोमोडेट किया है। मैंने अपनी कंपनी को कहा है कि मीडिया को मुकम्मल तरीके तौर पर उनको कैप्चर करना है। मुंह बंद कर रहे हैं आप, कितने प्लॉट आपके मुंह वैसे भी खुले हुए हैं, कितने प्लॉट दे रहे हैं मीडिया वालों को? मैं आपको कब्रिस्तान के साथ आपका, मैंने जो एरिया ना वो आपके लिए किया ताकि आपको हर फैसिलिटी जो है ना वो मिल सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि
नहीं नहीं पार्क भी साथ है, ग्राउंड भी साथ है, और ये देखें ये सारी की इसका नाम मैंने मीडिया लाइन कब्रिस्तान, मीडिया लाइन रखा है। अच्छा ठीक, ये आप लोगों के लिए। और फरहान साहब ये आपका ये कॉर्नर प्लॉट, अच्छा, ये कॉर्नर प्लॉट, अच्छा, है ये, देखिए मैंने इसको निशान लगाया हुआ है, ये कॉर्नर प्लॉट। और दूसरी बात ये है, जरा हाथ हौला रखें, सवाल जो कर रहे हैं ना आप, वो आप आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि मैं सवाल आपके मतलब के करूं, देखें पता क्या, मैंने जो आपको पर्चा दिया था ना वो आप शायद भूल गए, आपने दूसरा पर्चा निकाल लिया। आपने पर्ची नहीं दी थी ना, आपने पर्चा दिया था। चलो आपको पता हमारे मुल्क को पर्ची नहीं, मेरी बात सुने, अगर आप पर्ची देते तो शायद मामला और होता। एक मिनट सर, थोड़ा पीछे हो जाए, कैमरे का फोकस खराब हो रहा है। कैमरा बंद किया ना आपने? नहीं, बंद ही है सर। अच्छा मुझे ये बताएं सर, एक सवाल, कैमरा बंद है, थोड़ा सा पीछे हो के ना, कैमरा बंद है सर, पीछे हो के, मुझे पता है, बंद है, जी जी बंद है, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही हैं। अच्छा सुने, ऑफ द रिकॉर्ड बात है, सुनो, ये लोगों को छोड़े, इनका काम नहीं है, ठीक है, हमारा काम है काम करना, हम डिलीवर करते हैं, आप हमारे साथ चले, हम आपको ख्याल रखेंगे। दूसरी बात, हमेशा एक बात ध्यान में रखें, ये जितने लोग हैं ना, छोटा तबका, ये छोटे तबके को आपने ध्यान में रखेंगे आप काम नहीं कर सकेंगे। ओके ठीक हो गया, आप इसके ऊपर सवाल, अच्छा एक सवाल, एक सवाल, मेरी बात सुनिए, आपने अब जो सवाल करना ना, आपने कहना है कि आपके प्रोजेक्ट जो कामयाब हो रहे हैं उनकी रैंकिंग कैसी जा रही है। अच्छा इसको भी करते हैं, मुझे बताएं, मेजॉरिटी जो सोसाइटीज होती हैं, मेजॉरिटी आपकी, जी जी, ये अप्रूव्ड नहीं होती, लेकिन आप फिर भी काम कर रहे होते हैं, कैसे करते हैं? यानी कि लोगों नॉन अप्रूव्ड जगहों पे आप प्लॉट देते हैं? देखिए मामला ये है कि जो हुकूमत है ना, इसको हम कवर कर लेते हैं, अच्छा मैनेज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, को मार्केट डाउन हो जाएगी, अच्छा खत्म, ऐसा नहीं है, आप ये ज़हन में रखें। अच्छा मतलब आप मैनेज कर लेते हैं, मैनेज करते हैं, इसका मतलब है जिससे प्लॉट लेना है नॉन अप्रूव्ड जगह के ऊपर, वो यार कौन सी लोग बात सुने, क्या कर रहे हैं, अगर दस दस आपने प्रोजेक्ट शुरू किए ना, अप्रूव्ड एक ही होता है, उसी की फाइल लगाते हैं, आपको जो पर्चा दिखाना है ना, वो जो अप्रूव्ड है वो दिखाना है, लेकिन ये सारे काम आपके साथ मिलके करने हैं, हमने हमारे साथ मिलके क्यों करने हैं सर, नहीं हमने नहीं, हम अपना मीडिया, काम करें, हमें करने, देखिए देखिए हमें हमारा काम करने दें, आप मेरी बात सुने, जो हमारे सवाल है ना बेसिकली ये देखिए, मैं आपके लिए ना इनके तरह की पहनिएगा जरा सर, थैंक यू, ये यशूत है, और ये मैं दुबई में जब गया हूँ ना, तो ये मैंने वहाँ से लिया है, और ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। अच्छा सर, मैं आप लोग पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, मैं इसको पहनूंगा, मैं एक सोसाइटी की लॉन्चिंग पे था, चूँकि आपको पता मैं इवेंट होस्ट करता हूँ, तो एक सोसाइटी की लॉन्चिंग पे था, तो बड़ी अच्छी लग रही है, थैंक यू सर, मुझे ये कहा गया कि यहाँ पे 500 एकड़ जगह जो है ना सोसाइटी के पास है, स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, कम्युनिटी सेंटर बनेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे मसाजिद होंगी, मतलब सब चीज़ें जो होंगी बड़ी लैविश होंगी, आईटी टेक्नोलॉजी सेटअप बनेंगे, ये सारे मतलब जो थोड़ा सा पीछे जो मेरा एक सर, मतलब मेरे बैठने का आपको एतराज़ सर, वो कैमरे को एतराज़ है, कैमरामैन को भी इतराज है ना, हम शटिंग कर रहे हैं, अच्छा जो उन्होंने कहा स्टेट ऑफ द आर्ट सारा मामला होगा, आप हंस रहे हैं, अच्छा चलते, अच्छा सर बात, आप हंसते हुए बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं कंफ्यूज होता हूं आपकी इन बातों से, अच्छा जब मैंने स्टेज पे ये अनाउंस किया कि 500 एकड़ प्लेस, 500 एकड़ जगह है इस सोसाइटी के पास, और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आई टी पार्क, ये वो सारा, सर मैं जब स्टेज से नीचे उतरा ना, जी हेलो, फाइल बेच दें सर, छुरी फेर दे छुरी फेर दे, बात सुने, छुरी फेर दे, 400 एकड़ करें, और बात सुने, 400 एकड़ करें, हम 1000 एकड़ बेचेंगे, शेख साहब को कहें कि आपका काम हो गया, और दूसरी बात तमाम हो गया, जी किसानों के पैसे देते रहेंगे, क्या हो गया, उनका कोई इशू नहीं है, शेख साहब को क्लियर करें, मलिक साहब को क्लियर करें, और जो जितने बाकी किसान है ना उनको आप ने, आप मेरी बात सुने, तारीख लिखें, साल नहीं लिखना, हाँ बिल्कुल नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं, तारीख लिख दें, हो गया, शाबाश आपका हिस्सा है सर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो बंद करें ना सर, अभी रिकॉर्डिंग, हाँ जी सर, यार ये मीडिया को भी आपका मीडिया को मैंने कवर करना, आपने मीडिया को कवर करें, और बात सुने, कल की अखबारों में इश्तहार लगने चाहिए, और हर अखबार में ये लगना चाहिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, जी मैं करो
अच्छा जी, आपको बात कर रहे थे कारोबारी कारोबारी जी कारोबारी देते हैं आप। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त आपका ट्रेंड है, मैं बड़ा इंप्रेस हूँ। आपकी सोसाइटी का जो इश्तिहार होता है ना, वो बड़ा महंगा होता है। आप अच्छी कंपनी से इश्तिहार बनवाते हैं? सर मैंने हमेशा बड़े ग्रुप से बनवाते हैं। जी जी, मैं एक फरहान खान जो है, मैंने उनको हायर किया हुआ, वो मेरा काम करते हैं। सीरियसली, आप लोगों के जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो बड़ी जबरदस्त होती है। मेरी टीम काम करती है, बड़े से बड़ा मॉडल, मेरी टीम काम करती है, बड़े से बड़ी मॉडल आपने हायर की होती है। मदीहैंड कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद अखबार के लिए, उसके बाद सोशल मीडिया काम करता है, उसके बाद टीवी काम करता है, और फिर तीसरे नंबर पे हम लोगों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने एक सोसाइटी का बजट रखते हैं ना, उसके भी प्री लॉन्चिंग की बात करें, हम लॉन्चिंग की बात देखिए। एक सिंगर आता है तो सिंगर आके सिर्फ सिर्फ परफॉर्म करता है तो वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लेता है। तो उसकी टिकट माड़े बंदे आके उसका प्रोग्राम देखते हैं, ये छोटी बात है, फ्री में दिखाते हैं, उसको काम करते हैं, और ये बड़ी हाइप क्रिएट हो जाती है, बड़ा होता है। खाना भी बड़ा जबरदस्त आप लोग, आपको अच्छा लगा था ना, आपको बुलाया था मैंने, खाना कैसा था मुझे बताइए जरा। 10,000 रुपए प्लेट था, खाना कैसा था? बहुत जबरदस्त खाना, अच्छा था ना। मैंने स्पेशल कुक है, और थोड़ा सा पीछे हो जाइए, टेबल है यार, ये किस तरह की, मतलब आप सर, वो कैमरा तो आपके कुक बड़ा अच्छा रखा हुआ है मैंने। नहीं, कुक का तो नहीं सर, आपने 1,000 बंदे का 5 स्टार बंदे को आपने खाना, देखिए 5 स्टार डीलर थे सारे, सर सबको मैनेज करते हैं, हर शहर में करते हैं। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए, चलो छोड़े इसको, आप जरा मैं ऑन सीरियस नोट में ये बताइए। नहीं तो हम सीरियस बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता कि आप लोग लोगों को ओवर सेलिंग करते हैं, आप लोग लोगों को डिलीवर नहीं करते हैं, लोगों के किस्ते खा जाते हैं, लोगों का पैसा खा जाते हैं, अरबों खरबों रुपये आप लोगों ने खा लिया, और फिर उसके बाद दोबारा आप लॉन्चिंग करते हैं? पिछली दफ़ा हज करने गया, मैंने उमरा किया, तौबा भी की, माफ़ी की, होती है, गलतियाँ हो जाती हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, और बस ये सिलसिला चलता रहता है। अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, यानी इसी यकीन पे अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन जिसका माल लिया है, जिसका पैसा आपने खाया है, उसको वापस तो करना है, जिसकी जमा पूंजी, देखिए पता क्या, देखिए अल्लाह माफ तो करेगा, लेकिन बंदे से। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो आपके साथ मैंने ये चीजें शेयर की है ना, जी सर सर सर, इसमें हम एक नई चीज भी लेके आ रहे हैं। अच्छा, एजुकेशनल प्लान। अच्छा, उसके अंदर, सोसाइटी के अंदर जी, मतलब एक नया प्लान है लोगों को पागल बनाने का? नहीं, मतलब अब सोसाइटी के अंदर नहीं, आप गलत सवाल, नहीं वैसे मैं क्या। अच्छा, मुझे बताइए मतलब साहब, छोड़े इसको प्लान को, मुझे बताइए ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, ये हमारा सरमाया, ओवरसीज पाकिस्तानी आप, ये हमारा सरमाया, सरमाया थे वंस अपॉन अ टाइम, नो हैं, दे डोंट ट्रस्ट ऑन यू, क्योंकि आप लोग सर आप फैसला कर रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं, उसकी वजह ये है, आपने उन लोगों को इतना लूटा है, आप लोगों ने उनको इतना पागल बनाया है, उनके इन्वेस्टमेंट को इतना आपने तबाह बर्बाद किया, और दूसरा उनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है, आपने वो शेक कर दिया। इंटरव्यू में कुछ खाने पीने का कोई नहीं सर, आपको बाद में हम खिलाएंगे भी पिलाएंगे, कोई थोड़ा बहुत कोई चीज होनी चाहिए ना, मतलब के ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ क्यों इतना जुल्म किया आपने? ओवरसीज पाकिस्तान के साथ जुल्म नहीं किया सर, वो आपका एसेट है, हमने उनका ट्रस्ट नहीं रहा आप लोगों सर, हमने उनके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं ओवरसीज पाकिस्तान के लिए, हम समझते हैं कि वो हमारे, आपको पानी पिलाओ जी, पानी हो गया, खाली पानी पिला रहे हैं सर, आपको खाना भी खिलाएंगे। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि पानी पी लिया, मेरे ख्याल में आपको पानी हो गए। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए कि पानी मैं इंपोर्टेड पीता हूँ, असल में ना ये पानी थोड़ा सा, जाहिर बात है लोगों का खून पसीना पीने के बाद हम इंपोर्टेड ही पियेंगे ना आप। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है, व्हाई पाकिस्तानी ट्रस्ट ऑन यू, या पाकिस्तानी आपके? हाँ जी, हेलो, हो गई सेल, हो गई, इंटरव्यू हो रहा है, बस कर दे, शाबाश शाबाश जी, किसका? एक्सक्यूज़ मी, हेलो मलिक साहब, अच्छा मेरी बात सुने, रात की 9 बजे की खबरों से पहले चलनी चाहिए मलिक साहब, 9 बजे की खबरों से पहले मलिक साहब, इंटरव्यू हो रहा है आपका जी, एक मिनट ठहरे भाई, जी 9 बजे की खबरों से पहले, और उस खबरों के बाद, ये दोनों को आपने करवाना, और बात सुने, ये जो कैमरा ऑफ कर दे यार मलिक साहब, ये जो वजीर हाउसिंग है ना, उनका मुंह बंद करें, आज ही कर दे फाइल, दो फाइल उनके नाम करें। हाँ ठीक है यार, मैं एक बंदे के पास बैठा हूँ यार, वो मलिक साहब प्लीज आहिस्ता बोले, स्टूडियो है थोड़ा सा आपका ऑफिस, सॉरी मैं एक कारोबारी। अच्छा, ये मुंह कैसे बंद करते हैं, हम लोगों को फाइलें देते हैं, प्लॉट भी देते हैं आप,
इंटरव्यू जो आपने देखा उसका अख्तिताम मैं चाहूंगा, कारोबारी मीटिंग में मुझे जाना है और मैं कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी से मिलना चाह रहा हूँ। आपका कोई इंपॉर्टेंट सवाल है तो वो करें उसके बाद। इंपॉर्टेंट सवाल सिर्फ आखिरी सवाल जी, जी आखिरी दो तीन सवाल उसके बाद ये बताइए कि आप ओवर सेलिंग क्यों करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम मैं एक मीटिंग में जाना चाह रहा हूँ। आप 5 रुपए का एक कागज का टुकड़ा 5 लाख का क्यों ब्लैक करते हैं? आप मुझे बताइए कि आपके पास अगर 100 एकड़ जगह है तो 500 एकड़ जगह कैसे आप सेल कर देते हैं? आप मेरी जगह पे आके मुझे बताइए, आप मेरी जगह पे आके बैठे, मॉडल हाउस आप मेरी जगह पे आके बैठे सर, एक आप मेरी जगह पे आके बैठे, एक मैं वहां पे आके बैठता हूं, बना के आप 500 घरों के पैसे लोगों से क्यों ले लेते हैं जबकि आप डिलीवर नहीं कर पाते? आप मुझे बताइए ओवरसीज पाकिस्तानी का क्या कसूर है जो आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आपके साथ इन्वेस्टमेंट क्यों कर? आपके सवाल कितने रह गए? आपने एक सवाल का, आपके सवाल कितने रह गए? आपने एक सवाल का जवाब, आपके सवाल कितने रह गए? मैं सवाल करता रहूंगा, आप जवाब दीजिए। मेरा आखिरी जवाब ये है, आपके प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। मलिक साहब हमारे साथ थे। आप लोगों ने देखा आज का जो हमारा प्रोग्राम था, इट्स बेसिकली इट्स अ फैक्ट, ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी का। अनफॉर्चुनेटली रियल इस्टेट का बिज़नेस बहुत अच्छा है, हम इसको ये नहीं कह रहे कि बुरा बिज़नेस है, लेकिन अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों ने इस बिज़नेस को ख़राब कर दिया, गंदा कर दिया है, और फेक अंदाज में बिज़नेस करना, ओवर सेलिंग करना, फॉर्म 5 रुपये का फॉर्म 5-5 लाख रुपये का सेल करना, लोगों की जमा पूंजी, सारी ज़िंदगी की कमाई जो है वो किस्तों की सूरत में जब जमा करवाते हैं और उनको डिलीवर ना करना, ये बहुत ज़्यादा और ज़ुल्म की बात है। इन लोगों से बचिए, अपना पैसा अपने हाथ में रखिए, किसी ऐसे बंदे को आप पैसा ना दें कि वो आपको ये कहे जी आप मुझे पैसे दो और मैं आपको कमा के दो। कोई किसी को कमा के नहीं देता। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नी के